दोस्तों अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, खासकर योगी आदित्यनाथ से। क्या वो मानते हैं कि क्या वाकई चुनाव की आयोग चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी ड्यूटी के लिए लगाए जाते हैं वो वाकई कोई हेरफेर कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा उठता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले, जिसने चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। खास तौर पर यादव और मुस्लिम जो अधिकारी हैं उन्हें टारगेट किया गया, फील्ड पोस्टिंग से हटाया गया, बीएलओ के पद से हटाया जा रहा है, वो भी तब जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खासकर यादव और मुस्लिम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि याद करिएगा जब लखनऊ के गोमती नगर में भारी बारिश के बाद एक तस्वीर निकल कर आई थी जिसमें कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे एक लड़की से, उस वक्त भी विधानसभा के अंदर 16 आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों का नाम योगी आदित्यनाथ ने लिया था जबकि संवैधानिक पद पर बैठे, खास तौर पर वो यादव लड़का था और एक मुस्लिम लड़का था, लेकिन 14 आरोपियों के नाम नहीं लिए जिसमें ब्राह्मण से लेकर उनकी सजाती यानी ठाकुर जाति से आते। तो क्या योगी आदित्यनाथ को यादवों पर मुसलमानों पर भरोसा नहीं है? ये सवाल उठ खड़ा होना लाजमी हो जाता है क्योंकि बरसों पुरानी बात नहीं है, विधानसभा से लेकर अब सरकार का ये फैसला जातीय विभेद की नई कहानी गढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये अपने आप में संवेदनशील मुद्दा है लेकिन इसे कितना संवेदनशील होकर चुनाव आयोग लेता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक उम्मीद जताई जा रही थी कि चारों राज्यों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चारों राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। यही नहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा की सीटें हैं वहां उपचुनाव होगा और उसकी तारीखों का ऐलान भी होगा, लेकिन देखिए सिर्फ जम्मू कश्मीर और हरियाणा तक चुनाव आयोग सीमित रहता है, 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव के ऐलान से बचता नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी और खासकर योगी सरकार तैयारी करके बैठी थी जिसने नया बवाल खड़ा करा दिया है। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए, एबीपी न्यूज की एक खबर है। उपचुनाव से पहले कुंदरगी से हटाए यादव मुस्लिम बीएलओ, सपा ने लिस्ट जारी कर लगाया। खबर क्या है, पहले खबर थोड़ी पढ़ देता हूं और फिर आपको बताऊंगा कि कैसे जाति के आधार पर यह कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसके लिए अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इससे पहले ही सियासी पारा चढ़ गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सपा ने सरकार पर फेरबदल करने का आरोप लगाया है। सपा ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव बीएलओ और सुपरवाइजर को हटाने का आरोप लगाया। इससे पहले खबर भी आई थी, खासकर यादव और मुस्लिम जो अधिकारी हैं उन्हें फील्ड पोस्ट से हटाया गया है। इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि जैसे ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद योगी सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, सब कुछ चुनाव आयोग के पास चला जाएगा और इस दौर में चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता जाहिर करने के लिए कोई वर्ग विशेष या समुदाय विशेष के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करनी होगी, और अगर वो ऐसा करता पाया गया तो उसे सरकार का पिट्ठू करार दिया जाएगा, बीजेपी का पिट्ठू करार दिया जाएगा, जैसे पहले भी हो चुका है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर खुद ही एक कदम उठा दिया। आरोप है कि कुंदरकी जो मुरादाबाद का इलाका है वहां पर ये बीएलओ जो खासकर एक खास जाति यानी यादव जाति से आते हैं और खास समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय से आते हैं उन्हें हटाया गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि संविधान को मानते हैं योगी आदित्यनाथ या नहीं मानते, किस आधार पर इनकी पोस्टिंग हटाई गई, क्या इन पर आरोप लगे थे या फिर इन्हें डर फिर से सता रहा है कि जो हश्र भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में हुआ वही इस बार भी होगा, या फिर ये मानते हैं कि वाकई धांधली करते हैं अधिकारी, क्योंकि धांधली अगर अधिकारी करते हैं तो सभी धांधली करते होंगे, यानी अपने पक्ष वाले लोगों को बिठाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ, वरना यादव और मुस्लिम बीएलओ से क्या दिक्कत हो सकती है? यानी चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए कि निष्पक्ष चुनाव होता है। दूसरा बात यह है कि ये यादवों और मुसलमानों से डरते हैं, लेकिन इतना सोचिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारा तब भी इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही। खबर जो लिखी आगे पहले पढ़ देता हूं, देखिए, दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है। सपा ने मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव बीएलओ को और सुपरवाइजर को हटाकर गैर यादव गैर मुस्लिम तैनात किए जाने की शिकायत की। सपा ने हटाए गए निर्वाचन कर्मियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अब जरा इसको लिस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, इस लिस्ट में क्या लिखा है। देखिए, श्यामलाल है, श्यामलाल प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या लिखा, मंजू रानी, कल्पना सुमन, कुसुम साइस्ता जवाल, ये तमाम लोग हैं, इनकी जगह किस किस को रखा गया है, पढ़िए। इस पूरी लिस्ट को पढ़कर बताता हूं भी आपको क्या क्या लिखा है। इसमें बताया गया कि ये खास तौर पर फरीदा यास्मीन और तमाम लोग हैं जिनको हटाने की बात इस लेटर में लिखी है कि ये लोग हटाए गए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया, लिखा है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ, प्रकाशन के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
श्री श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम ज्ञापन में जनपद मुरादाबाद में उपचुनाव वाले क्षेत्र 29 कुंदरगी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यादव और मुस्लिम बीएलओ और सुपरवाइजर को हटाकर उनके स्थान पर गैर यादव और गैर मुस्लिम बीएलओ और सुपरवाइजर नियुक्त किए जाने के विरुद्ध शिकायत कराई है। ठीक है, जांच करवाकर जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये मुख्य प्रवक्ता कहते हैं राजेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया है और ये नाराजगी का विषय भी बनना चाहिए। दरअसल मैं फिर वही इसी बात पर आता हूं कि अगर ये बात परसों पुरानी होती तो मानता भी नहीं। चुनाव के बाद खास तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ यादवों को और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब विधानसभा के अंदर एक संवैधानिक पद पर वो भी प्रदेश के मुखिया खड़े होते हैं तो उनके लिए चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, यादव हो या ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, सब अपराधी अपराधी के तौर पर या आरोपी आरोपी के तौर पर होगा। लेकिन सोचिए इस देश प्रदेश के मुखिया कैसे हैं, वो जात देखकर आरोपियों का नाम लेते हैं। या तो उनके अधिकारियों ने उन्हें भ्रमित किया या फिर खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने डिमांड की थी कि जो 16 आरोपी गोमती नगर कांड में एक महिला से बदसलूकी कर रहे थे उसमें खासकर यादव और मुस्लिम जाति से जुड़े हुए लोगों के नाम ही सामने रखे जाए। और देखिए 16 में से सिर्फ 2 लोगों के नाम लेते हैं, एक मुस्लिम और एक यादव जाति से। और बहुत शालीनता से बता रहे थे कि सद्भावना एक्सप्रेस चलेगी, इनके खिलाफ बुलेट एक्सप्रेस चलेगी। चलाते ना, बुलेट ट्रेन चलाइए, सबके लिए चलाइए। मैं कहता हूं चाहे वो यादव हो या मुस्लिम हो, चाहे वो ठाकुर हो आपका सजातीय हो, करिए ना। हिम्मत नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कि वो विधानसभा के अंदर बोल पाए। सोचिए संवैधानिक पद पर बैठकर निष्पक्षता की दुआई देते हैं, निष्पक्षता की दुआई। ये चुनाव के में हारने के बाद इस कदर घबरा गए कि इन्हें डर लगता है इन नामों से। इन्हें डरना चाहिए जनता के नाम से, इन्हें डरना चाहिए अपने कारनामों से, इन्हें डरना चाहिए हर मुद्दे का माहौल उड़ाने से। लेकिन कर क्या रहे, यादवों और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। एक और ट्वीट किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से इसी मुद्दे पर, इसमें क्या लिखा है, समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीत के लिए जाति व धर्म के आधार पर हो रही पोस्टिंग, ये माननीय है इनके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव करते हैं। एक कटिंग लगी हुई है, इसमें अखिलेश यादव का चित्र है और उसमें अमृत विचार है। इसमें लिखा गया है उपचुनाव में जीत के लिए जाति व धर्म के आधार पर हो रही पोस्टिंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए विधानसभा उपचुनाव से पहले जाति धर्म के आधार पर पोस्टिंग करने लगे हैं। बस सवाल यही है कि जब विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान होगा तो क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले को ध्यान में रखेगा या फिर योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला ले लिया वही चुनाव आयोग सिर झुकाकर मान लेगा? क्या इसीलिए चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अभी 10 विधानसभा चुनावों का ऐलान कर पाए इन सीटों पर, क्योंकि उसको इंतजार है पहले सारे अधिकारियों को सेट कर दिया जाए, उसके बाद विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए। जैसे ही ऐलान होगा उसके बाद चुनाव आयोग सरेंडर कर देगा कि भाई देखिए जो अधिकारी जहां है वो वहीं रहेगा, किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा टाइम दिया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से उत्तर ये है कि क्या वाकई इतना डर गए बीजेपी वाले? नमस्कार।